हेलो गाइस, मैं सलोनी। वेलकम टू माय चैनल सलोनी स्वैग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बोल्ड नाइट मेकअप कैसे करते हैं, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं अपने फेस पे निविया कम मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। इससे हमारा फेस काफी हेल्दी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का ये प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, जिससे हमारा फाउंडेशन हमारे फेस पे काफी अच्छे तरह से अप्लाई हो। ये फिट मी का फाउंडेशन मैं अपने फिंगर टिप से अपने पूरे फेस पे और अपने नेक एरिया पे अप्लाई करूंगी और इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ब्लेंड कर लिया है इसको अच्छे से। इसके बाद मैं कंसीलर अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करूंगी। इससे हमारे अंडर आई का जो भी डार्क एरिया होता है वो अच्छे से कवर अप हो जाता है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं मेबलिन का फिट में फेस पाउडर से इसको अच्छे से सेट करूंगी, ताकि हमारे अंडर आई एरिया में कोई भी ग्रिड लाइंस ना बने, और अपने पूरे फेस पे भी अच्छे से फेस पाउडर अप्लाई कर लूंगी, ताकि हमारा फाउंडेशन सेट हो जाए और अपने नेक एरिया पे भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो गाइस, ये हो चुका है। इसके बाद मैं ब्राउन कंटूर अपने चीक एरिया पे और अपने नेक एरिया पे यूज़ करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। इससे हमारा फेस काफ़ी स्लिम लुक देता है और हमारा नोज़ भी काफ़ी स्लिम लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो चुका है। इसके बाद मैं इसको हाईलाइट करूंगी हाइलाइटर ब्रश से। हाइलाइटर यूज करने से हमारा मेकअप काफ़ी ग्लोइंग दिखता है और इसको अपर लिप और लोअर लिप एरिया पे भी अप्लाई करूंगी और अपने चीक एरिया पे भी अप्लाई करूंगी, ताकि हमारा मेकअप बहुत ग्लोइंग दिखे। इसको ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको मैंने ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं पिंक कलर का ब्लश अपनी चीक पे यूज करूंगी, ताकि मेरा चीक पिंकी सेट का दिखे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो चुका है। इसके बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो अपने आईलिड पे यूज़ करूंगी। गाइस, मैं स्मोकी आई मेकअप कर रही हूँ। ये नाइट मेकअप के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और इससे हमारी आईज काफ़ी बिगर भी लगती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने हाफ आईलिड पे ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है और हाफ आईलिड पे मैं वाइट कलर का ग्लिटरी आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपने वाटर लाइन पे भी ब्लैक आई शेडो हाफ अप्लाई करूंगी। इसके बाद गाइस, मैं हाईलाइट अपने ब्रो बोन पे भी अप्लाई करूंगी, जिससे हमारा आई शेडो अच्छा लुक दे और हमारे आईब्रो का भी शेप अच्छे से दिखे। अब मैं अपना आईब्रो कलर कर लूंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो चुका है। इसके बाद मैं लैक्मे का आईलाइनर अप्लाई करूंगी। गाइस, जब भी हम स्मोकी आई मेकअप करते हैं तो हमारा आईलाइनर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। मैं मीडियम लाइन अप्लाई करूंगी अपने आईलाइनर के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये आईलाइनर अप्लाई कर लिया है और वाटर लाइन एरिया पर भी हल्का हल्का मैंने अप्लाई कर लिया है। तो ये मेरा आई मेकअप रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं मास्कारा यूज़ करूँगी। लैक्मे का मास्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये किस्मी का रेड बोल्ड लिपस्टिक है, जो नाइट मेकअप के लिए बेस्ट होता है। इसको मैं पहले बॉर्डर लाइन बनाकर बाद में इसको फिल करूंगी, ताकि हमारा लिप का शेप काफ़ी अच्छे से बने। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको अच्छे से फिल कर ली हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मेकअप रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मेकअप फिक्सर से अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।